रामपुर के कस्बा दड़ियाल में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते क्षेत्र में झूल रहे विद्युत तारों के अक्सर टूट जाने के कारण यहां लोग कभी भी विद्युत करंट की चपेट में आ सकते हैं। इन जर्जर तारों का टूटने का सिलसिला किसी से छिपा नहीं है। विद्युत विभाग कर्मचारियों का कहना है कि खंभों की दूरी के कारण तार ढीले पड़ चुके हैं और काफी पुराने हो चुके हैं, जिसका बदलना अति आवश्यक है। साथ ही ये विद्युत विभाग के खंभे खेतों में खड़े हैं। इन तारों के ऊपर जब वहां से गुजर रहे पेड़ों से टकराते हैं और उन पेड़ों की जब टहनियां विद्युत विभाग के कर्मचारी काटने जाते हैं तो लोग जिनके पेड़ होते हैं वे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों को कई बार की जा चुकी है। लेकिन अधिकारीगण इन तारों को जाने क्यों नहीं बदल रहे। विद्युत विभाग को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। अब देखना है कि विद्युत विभाग कब इन जर्जर तारों को बदल पाता है। क्या नाम है आपका? तो ये चीज जो ये लाइन में फॉल्ट आया है ये किस वजह से आया है? क्योंकि लाइन पुरानी बीजल का तार पड़ी, लाइन जर्जर, आज दिन जो है लाइन टूटते रहते हैं, इंसुलेटर फटते रहते हैं, समय लगन में सारे बिजली विभाग बिजली घर के परेशान रहते हैं और लाइन लोड नहीं ले पाती है। जब और खंभे दूर दूर है लाइन में, लाइन ढीली बहुत है। और दूसरी बात यह है कि लाइन जो है हमारी जो है सही जगह पर नहीं है, खेतों में लाइन वहाँ पर काश्कार में परेशान रहते हैं और हम पेड़ छाटते हैं तो हमसे लड़ते जा रहे हैं। दूसरी बात है इसका कई बार सर्वे करा दिया हमसे अधिकारियों ने कि लाइन का सर्वे करो, हम लाइन चेंज कराएंगे, लेकिन सर बता लाइन चेंज नहीं होती और हम लोग मौत के मुंह में रहते हैं। मतलब हमारे पास कोई सावधानी नहीं है, कोई हम पर दास्तानी नहीं है, कोई हम पर ड्रेस नहीं है, कोई हम पर विभाग का मिला हुआ सामान नहीं है। अपनी स्थिति अपनी जान को हथेली पर लेकर ही काम करते रहते हैं और हमारी दरिया से बिजली घर से दरिया तक की लाइन में 11 KV भी हमारी जल जाती है। दो बाजारें लगती हैं, वहाँ भी लाइन में कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, कई बार हाथ हमसे होने लगे। तो इसमें आपने शिकायत करी थी किसी बड़े अधिकारी को? हमारी SC से, MD से, एक्शन से, SDO, JE सब से कर दी है, लेकिन अधिकारी आते रहते जाते रहते, काम कोई नहीं हो पाता। और लाइन में पोल दूर दूर है, 33 की लाइन में लाइन लीची बहुत जगह जगह। तो ये लाइन का मटेरियल खराब होने की वजह से ही ये बार बार टूट रही है? जी हाँ, लाइन टूट रही है, ओवरलोडिंग पे है और दूसरे 5 5 MVA 2 TF है और लाइन में तार सब बीजल पड़ा हुआ, 194 खंभा बीजल पड़ा हुआ। तो होना कौन सा चाहिए था? होना चाहिए डॉग या डेविड, दोनों में लाइन जो है हमारा लोड लेकर सही चल पड़ा, सही वक्त लाइट मिल सके, इससे सारे सभी लगा बिजली घर के परेशान रहते हैं।